अच्छा जी, ये देखें, अभी कट क्रीज हम लोगों ने कर लिया था। अब हम लोग शिमर एप्लीकेशन कर रहे हैं, और शिमर एप्लीकेशन में देखें कि हम कैसे शिमर लगा रहे हैं। और शिमर लगाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप हेयर जेल लेके, और अगर आपके पास, मैं सबसे जो अच्छा ब्रांड है ना नाइस का है, इसके मामले में ना, जो आप आई शिमर होता है उसको मिक्स करके फिक्स करने के लिए, तो लगा के तो वो फिक्स हो जाता है ना, तो फैलता नहीं है। तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप हेयर स्प्रे ले सकते हैं। हेयर स्प्रे को अपने किसी भी ढक्कन में या किसी भी छोटे से कोई भी आपके पास है, मतलब कुछ भी अवेलेबल है, उसके ऊपर वही थोड़ा सा डाल के ना दोनों को मिक्स करके, और फिर आप उसको अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर है, तो जहाँ हम लोगों ने कट क्रीज किया था, तो वो कलर जोन सा ना, आप चाहे ऊपर पानी फेंक लें या जो मर्ज़ी कर लें, वो कलर अपनी जगह से टस से मस नहीं होगा। मैं अक्सर देखती हूँ लेडीज़ आती हैं तो ना, वो फटाफट आई मेकअप करके घर से आ जाती हैं, हेयर स्टाइलिंग कर दो, तो हेयर स्टाइलिंग तो करवा लेती हैं लेकिन थोड़ी देर में ना उनका वो सारा जो उन्होंने शिमर लगाया होता है मेल्ट होकर ना, तो वो पूरी क्रीमी फॉर्म में आया होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को आइडिया नहीं होता कि हम लोगों ने कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं, अगर आप पार्लर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप घर में इजीली मतलब ऐसे टिप्स को यूज़ कर सकते हैं जो मतलब आपका मेकअप को इन्हेंस करता है, खूबसूरत करता है, फिक्स करता है। तो ये देखिए, हम लाइनर अप्लाई कर रहे हैं, और ये मेरे पास मार्कर लाइनर है, तो मेरा बेस्टेस्ट लाइनर है ये। तो अक्सर मैं, अब काजल तो मेरा फेवरेट है ही, लेकिन लाइनर का अगर मेरा नहीं कुछ लाइनर लगाने को, काजल लगाने को दिल कर रहा, तो मैं लाइनर ना फटाफट, दो दो मिनट लगते हैं और मैं ये फटाफट अपना लाइनर लगा लेती हूँ। यकीन करो, सुबह से शाम तक ना, अगर ये वाटर प्रूफ है और ये मेरी आंखों पर ना मतलब स्टे करता है, तो मज़े की चीज़ है ये भी। अच्छा जी, अच्छी तरह से मैं उसको मर्ज कर दूंगी, ये नहीं कि उसको वहीं, अगर मैंने कलर लगा दिया है तो मैं वहीं पे उसको रख दूंगी और साथ साथ मैं रिमूविंग करती जाऊंगी। लूज़ पाउडर अपने पास रखें, क्योंकि सबसे मेकअप के अंदर उसी का मतलब एक बहुत बड़ा क्या होता है, एक्ट होता है। तो ये देखें हमारी आंखें, एक तो ड्यूरिंग जब भी मैं व्लॉग बना रही होती हूँ या कुछ भी ना, तो कोई कस्टमर आ जाती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि मतलब सर्विस लेने के लिए आती हैं, कुछ मैंने जो है ना वो गप्पे लगाने के लिए रखी हुई हैं। तो वो अपने घर की जो बातें होती हैं ना, तो वो फिर मेरे साथ आके अपने दिल की बातें शेयर करती हैं, फिर मैं उनको एडवाइस करती हूँ, और फिर वो थोड़ा सा पुरसकून हो जाती हैं। चलें, ये भी स्वाप का काम है, तो अगर वो ऐसे थोड़ा सा लाइट फील करती हैं तो वाई नॉट, कि किसी का सुन के तो आप उसको अच्छी एडवाइस कर दो। अच्छा, तो ये देखें, अभी हम लोगों की लैशेस रहती हैं आंखों पे लगाने वाली। मेरा थोड़ा सा लाइनर के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, तो ये हर कोई नहीं लगा सकता ऐसे कि मतलब रोज़, जब आपको एक टेक्निक आपके हाथ में आ जाती है, आपको भी मतलब आइडिया हो जाता है आपने कैसे लगाना है कैसे नहीं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, डू प्रैक्टिस एट होम, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका हाथ क्लीन होता जाएगा मेकअप के ऊपर। ब्रशेज़ अच्छे होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है ब्रांडेड हो, लेकिन अच्छे होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए उनकी। तो एक एक करके चीज़ ले लें, लेकिन अच्छी लें, तो अगर अच्छा काम चाहिए आपको। बस हेयर्स का भी अब हम जल्दी व्लॉग्स बनाने वाले हैं, हेयर्स की टिप्स आपके लिए हाजिर होंगी, और बस मुझसे क्वेश्चन करें आपको किस रंग की टिप्स चाहिए, क्योंकि मैंने माशाल्लाह सर्दियों में ये जो 6 मंथ निकले हैं, तो मैक्सिमम मेरा ख्याल से मैंने 10 इंचेस तक ना, 10 इंचेस, हाँ 10 इंचेस तक इंक्रीज़ किए होंगे, तो मेरे बाल माशाल्लाह इतने लंबे हुए हैं। तो मैंने क्या टोटके इस्तेमाल किए,
क्या मतलब मैं पूरी सर्दियों में करती रही, तो वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हालांकि मेरे कलर वाले बाल हैं, ये ईयर हो चुका है 1 ईयर, लास्ट ईयर मैंने एक शादी पे ये कलर किया था, और अभी बस रूट टचिंग मेरी अगेन होने वाली है, उसका भी व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। बस मूड बना रही हूँ बड़े बालों को हाथ से डालने से पहले ना 100 दफ़ा सोचना पड़ता है यार। अभी अगर मेरे शॉर्ट हेयर्स होते ना, तो मेरा ख्याल से मैं हर हफ्ते कलर चेंज किया होता, तो आप लोगों के भी मज़े होने थे। तो इतने आसान तरीके में आप लोगों को बताती तो, लेकिन अब क्या करें, इतने लंबे बालों में मुझसे नहीं होता, और किसी पे एक्सपेरिमेंटिंग हो सकते तो सिर्फ खुद पे ही किए जा सकते हैं। तो इंस्टेंट कलर बहुत से आ गए हुए हैं मार्केट में, लेकिन थोड़े एक्सपेंसिव हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा जी, बस अब हम लोग लैशेस लगाएंगे, साथ साथ कस्टमर्स को भी मैं अपनी ज़ुबान से डील कर रही हूँ। तो ये भी आर्ट होता है, फ़न होता है बंदे में। और ये मैं ओरिफ्लेम का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स आपको पीछे मेरे शेड्स पे नज़र आ रहे होंगे, लिपस्टिक्स हो गई, उसका फुल मेकअप है मेरे पास, सीरीज़ इसकी पड़ी हुई है, फुट क्रीम्स हो गई इसकी, ऑप्टिमल की बॉडी क्रीम्स हैं जो फैट लूज़ करती हैं, और बेसिस हो गई, शिमर्स हो गए, हाइलाइटर्स हो गए, किट्स हैं इसकी, लिपस्टिक्स हैं, फाउंडेशंस हैं, और इतनी आला किस्म की हैं कि मैं अक्सर अपनी ब्राइडल के लिए जुर्दानी गोल्ड की बेसिस यूज़ करती हूँ। तो इसके परफ्यूम्स हैं, थोड़े एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ना खुद से बंदे को प्यार हो जाता है जब बंदा ना अच्छी परफ्यूम लगाता है, तो अच्छी परफ्यूम तो फिर ब्रांड की ही होती है। तो व्हाई नॉट कि बंदा एक ले ले, तो फिर वही बात है, अच्छी चीज़ ले लो। अच्छा, ये लिप लाइनर लगा रहे हैं, थोड़ा सा डार्क कलर लगाऊंगी मैं, क्योंकि हम आज डार्क कलर ही कर रहे हैं फेस पे सारा, आईज भी और लिप्स भी। देखिए मेरी ज़ुबान कितनी तेज़ से आ रही है। तो देखिए अब ऐवी तो नहीं बंदा किसी से बात कर लेता, मतलब बातें आती हों तो ही बातें कर सकता है ना। तो ड्यूरिंग वर्क आप अपने में थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंट होने की कोशिश करती हूँ कि अगले बंदे से कॉन्फिडेंट होके बात करूँ, ताकि वो भी सेटिस्फाई हो जाए। तो ये मतलब एडवाइस टाइम भी होता है, तो बस क्योंकि काम की जगह पे आने वाला हर एक बंदा जो होता है ना, बंदी सॉरी, मेरे लिए मतलब ख़ास होती है, और मतलब स्पेशल एक उसको मुझे फील करवाना होता है। तो माशाल्लाह ये देखिए हम लोगों का काम डन हो चुका है, मैं एक बहुत खूबसूरत मॉडल लग रही हूँ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए मैंने खूबसूरत से झुमके पहन लिए हैं, और ये देखें उसके ऊपर लहराते हुए बाल, बेशक मुझे आवाज़ारी दे रहे हों, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ऐसे एक्ट करूँगी कि मुझे बहुत बहुत सुकून है इनके साथ। तो जी ये देखें कैसी लग रही हूँ मैं, मुझे पता है मैं बहुत हसीन लग रही हूँ आप लोगों की नज़रों में। तो चलें, मैं मजाक कर रही हूँ, तो हजम कर लिया करें मेरा मजाक, बस मजाक भी अपनों के साथ किया जाता है, तो मुझे पता होता है कि ये लोग मुझे बियर कर लेंगे, देन मैं इस तरह की वर्डिंग यूज़ करती हूँ, या प्यार से, या मतलब इस तरह के डायलॉग्स बोल लेती हूँ। तो डोंट वरी, तो अभी मैं बाल भी स्ट्रेट करूँगी, लेकिन मैं उसको मतलब अभी उसकी नहीं मैंने वीडियो बनाई, तो क्योंकि इतना नहीं टाइम था, आपको पता है कि कस्टमर था, तो मैं बस फटाफट रेडी हुई, और क्योंकि मैंने शूट भी करना था, तो फिर उनको थोड़ा सेटिस्फाई करके कस्टमर को उनको भेजा, और फिर मैंने अपना फ़ोटो शूट किया, वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर लाजमी करूँगी इस वीडियो के अंदर। तो स्ट्रेट हेयर्स भी दिखाऊँगी अपने, लोग कहते हैं लंबे बालों में बहुत टाइम लगता होगा स्ट्रेटनिंग में, लेकिन मैं कहती हूँ कि अच्छा आपके पास स्ट्रेटनर हो तो यकीन करें कि आप 10 मिनट्स में अपनी स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। ये देखें मैंने स्ट्रेटनिंग कर ली है, और ये जो मैंने सूट पहना हुआ है ये मुझे
मेरी अम्मा जी ने सोदिया से ला के दिया था, तो दुपट्टा जौन सा है इसके साथ मैंने यहीं से मैच किया था, सिर्फ ये 2 पीस ही सूट था मेरा। तो ये देखें जी, एक तो सूट हसीन हो, ऊपर से आपके बाल, ऊपर से मेकअप आपका खूबसूरत सा हुआ हो, तो आप उठ जाते हैं एक्स्ट्रा, मैं कहती हूँ एक्सट्रीम लेवल का। आपको काम करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन बस जितना भी करें ना, तो मतलब आपके ऊपर ना वो जचना चाहिए, बस बस बंदा ना जच जाए। इतना सा काम करेंगे। देखिए दुपट्टा आप किसी भी तरह ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही मनहूस दुपट्टा है। टिकने का नाम नहीं लेता, मुझे बहुत गुस्सा आता है एक बाल खुले हों और ऊपर ये देखें, अब बंदा क्या करे। और फिर लोग कहते हैं तुम दुपट्टा नहीं लेती, तुम ये नहीं करती, तुम एक्स्ट्रॉर्डनरी मॉड हो, ये हो वो हो। तो भाई अब बंदा क्या मतलब किस तरह बन के रहे। मैं तो फिर वही इमोशनल डायलॉग्स। खैर लिव इट, हम लोग अपने आप पे फोकस करते हैं, हमें किसी कोई वो नहीं है, लेकिन है भी ये थोड़ी बहुत, इसलिए मैं सबके सबको साथ लेके चलती हूँ कि नहीं आपकी वजह से मैं हूँ, और अगर आप नहीं होंगे तो मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये थोड़ी सी मेहनत की है, तो अभी तो माशाल्लाह मेरे इससे भी बाल लंबे हो गए हैं, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेहनत की है। तो मैं वो आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन करना है अकॉर्डिंग हेयर्स, अकॉर्डिंग स्किन, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको ज़रूर आपकी प्रॉब्लम्स का बताऊंगी सलूशन। तो ज़रूर मुझे कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं मुझे समझ आती रहे कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखें जी आपके लिए, और ये जो मैं सब कुछ करती हूँ सिर्फ आपके लिए करती हूँ, तो ये मेरा शौक भी है। तो कोई स्पेशल कुछ भी नहीं है कि मैं किसी स्पेशल के लिए कर रही हूँ, नो नो नो, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। और ये मुझे इस काम से ना खुशी मिलती है, तो इंसान उसी उसी काम में सेटिस्फाई होता है। ये देखिए अब मैंने ट्राउज़र भी पहना है, लेकिन मैंने जो टाइट्स पहनी हुई थी वो ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त लग रही थी, और जो ट्राउज़र पहना है वो इट्स अप टू यू कि आपको अच्छा लगता है कि नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि दोनों तरह से आप ना अच्छे लग सकते हो। तो ये देखें जी फाइनल लुक है ये, और मेरी देसी लुक ते मर गए क्या थे छोरे छोरे, मुझे नहीं आता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।